उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में जसराना से कई बार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे रामवीर सिंह यादव हत्या के षड्यंत्र के मामले में आज जेल भेजे गए हैं। पूर्व विधायक पर आरोप है कि उन्होंने 5 नवंबर 2007 को जसराना ब्लॉक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलवाकर शशि यादव की हत्या तथा अन्य लोगों को घायल करने में षड्यंत्र रचा था। 10 साल में सपा नेता अदालत में हाजिर नहीं हुए और कानूनी दांव पेच खेलते हुए फरार रहे, जबकि अदालत से कई बार उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया। सपा नेता ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी शरण ली, लेकिन न्यायालय द्वारा दिए गए समय के अंदर वो स्थानीय अदालत में हाजिर नहीं हुए। प्रदेश की योगी सरकार की कानून व्यवस्था में कड़ाके के चलते आज सपा पूर्व विधायक रामवीर सिंह यादव ने फिरोजाबाद सीजेएम सुबोध सिंह की न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और जमानत की अर्जी पेश की, जो खारिज हो गई है। उसके बाद जमानत की अर्जी सेशन कोर्ट में प्रस्तुत की गई है, क्योंकि मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 2 में विचाराधीन चल रहा है। जमानत का प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 2 राकेश शर्मा की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से समय मांगते हुए सुनवाई के लिए अन्य कोई तिथि नियत करने की प्रार्थना की गई है। न्यायाधीश राकेश शर्मा ने जमानत की सुनवाई के लिए 4 जनवरी नियत कर दी है और सीजेएम सुबोध सिंह के न्यायालय से वारंट बनाकर उन्हें जेल भेज दिया गया है। ये 2007 में नवंबर 2007 में ब्लॉक प्रांगण जसराना में एक घटना कारित हुई थी, जिसमें अभियोगी और वादी श्रीमान रामपाल सिंह जी हैं जो वहां के ब्लॉक प्रमुख हैं, तो उनके ऊपर हमला हुआ था, उनको चोटें आई थी, फायरिंग हुई थी। एक वीरपाल सिंह प्रधान हैं, उनके साथ भी फायरिंग हुई थी, चोटें आई थी, और एक शशि मौके पर मृत हो गए थे उस गोलीकांड में। तो उसमें रामपाल सिंह जी ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें अन्य लोगों के साथ साथ विधायक श्री ये रामवीर सिंह जी का भी नाम उसमें नामित था, और उसके विरुद्ध ये ऑनरेबल हाई कोर्ट गए, वहां से एक लंबे समय तक स्टे लिए रहे। स्टे वैकेट जब हुआ तो उसके बाद अवर न्यायालय सीजेएम फिरोजाबाद द्वारा इनके खिलाफ वारंट या एनबीडब्ल्यू जारी किया गया। 193 क्राइम नंबर है 2007 का, जो कि ट्रायल पे है। इसमें जिसमें से एक 8 व्यक्तियों में से ये भी एक मुलजिम है, और उसमें काफी अभी कुछ अभियुक्त जेल में भी हैं। तो ये प्रोसेस थी न्यायालय का, एक एनबीडब्ल्यू था जिसके खिलाफ वो उच्च न्यायालय और भी गए थे, तो उसके डायरेक्शंस में उन्होंने सरेंडर किया है, और उस पर न्यायालय में चूंकि बात विचाराधीन है इसलिए उन्होंने उसका जो न्यायालय की प्रोसेस है उसका कंप्लायंस किया। ये क्या घटना घटित हुई थी इसमें, कहाँ? ये हत्या और 307 हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा है, जिसमें वो मुलजिम है उस अभियोग में, उसी अभियोग में उन्होंने सरेंडर किया। फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता फरहान खान की रिपोर्ट।